गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पार्ट दो, जिसका नाम है फसलों का त्यौहार। फसलों का त्यौहार मतलब जैसे कि सीज़न में जो भी हमारा सीज़न होता है, धान, गेहूँ, मक्का, ये सब फसल जो हमारी होते हैं अलग अलग मौसम में उगाए जाते हैं, तो उसी के बारे में इस पाठ में पढ़ाया गया है। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह बच्चों ठंडी के मौसम की जानकारी है इसमें, कि ठंडी में क्या होता है। जो बोरसी होते हैं, जब हम लोग आग जलाते हैं, एक लोहे की टोकरी टाइप का होता है जिसमें हम आग जलाते हैं और अपने हाथ पैर को सेकते हैं, उसी को बता रहा है। बोरसी के आगे हम बैठकर हाथ तापते रहते हैं। खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, धूप होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई है, ओस गिरा हुआ है और हम इंतज़ार लगाए बैठे हुए हैं कि अब धूप होगी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ओस गिरी हुई है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से अब पता चल रही है कि रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और कभी पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भा के देख के पत्ता आयल कि ना। बच्चे जब हम सुबह को उठते हैं तो हम समय नहीं देखते। गांव में क्या होता है, आमतौर पे हम समय नहीं देखते, लेकिन जो नल होता है, घर का हैंडपम्प होता है, वो चलता है और अंदर बाहर लोग जाते आते रहते, कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि अब सुबह हो गई है। लेकिन ठंडी की वजह से कोई रजाई से बाहर नहीं निकलता। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। सब लोग उठे और नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती कुर्ता पहना हुआ था। बच्चे गांव का बता रहा है कि गांव में लोग सफ़ेद कुर्ता धोती पहने रहते हैं। खिचड़ी में ऐसी ठाट कभी नहीं देखी थी, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, पापा ने बोला कि आज धोती में ठंड ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। दादी खादी का साड़ी पहने हुए बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे। जब बूढ़े हो जाते हैं दादी लोग, तो उनके बाल क्या होते हैं बच्चों, एकदम सफ़ेद रुई जैसे हो जाते हैं। हल्के फुलके बाल, एकदम हल्के हल्के मुलायम सफ़ेद बाल दादी के हो गए हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। दादी का बाल इतना सफ़ेद हो चुका है कि हम गौर से देखें तो एक भी काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी एकदम धुली धुली सी लग रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। उनके सामने एक केले का पत्ता है जिसमें तिल, गुड़, चावल का ढेर पड़ा हुआ है। बच्चों खिचड़ी में हम लोग दान करते हैं, उसे छूते हैं, उसके बाद मंदिर में दान करते हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जब हम सब ने छू लिया तो सभी चीज़ों को एक जगह करके पंडित जी को दान में दे दिया गया। आज अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। बहुत सारे लोगों को चूड़ा दही और खिचड़ी नहीं पसंद रहता, तो उस दिन खिचड़ी ही बनती है और चूड़ा दही सब लोग खाते हैं। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, लेकिन उस दिन क्या होता है कि हम लोग फरमाइशी नाश्ता नहीं करते हैं। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल भी खाए हैं। आज सब लोग खिचड़ी खाएँगे और गया से आए हुए तिल भी खाएँगे।
गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गुड़ और तिल के तिलकुट, गुड़ और तिल का तिलकुट बच्चों बनता है खिचड़ी के दिन, जो हम बड़े चाव के साथ खाते हैं। सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी मना रहे हैं। सोच रहे थे कि ये वाली खिचड़ी बहुत ही अलग है जो हम लोग अभी मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। स्कूल में हम अलग तरह से खिचड़ी मनाते थे। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, उड़ाने की कोशिश करना। हम लोग नाव में बैठकर गंगा नदी में सैर करते थे और टापू पर खड़े होकर बालू के ऊपर पतंग उड़ाते थे, और जिसे नहीं उड़ाना आता था वह पतंग उड़ाना सीखता था। कितना मज़ा आता था उस समय हम लोगों को, कितना मज़ा आता था उस समय हम लोगों को, बहुत ही मज़ा आता था, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया और सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम लोग मस्ती करते थे, पतंग उड़ाते थे, और हमारे गुरुजी लोग और बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया, ये सब मिलकर क्या करते थे, जो ईंट का चूल्हा था उस पे बड़े बड़े कड़ाहे रखकर खिचड़ी बनाते थे। इस तरह हम लोग खूब मस्ती करते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। कभी कभी हम लोग अपना पतंग रख देते थे और सुस्ताते थे, प्याज और मटर छीलते थे और उनकी सहायता करते थे खिचड़ी बनाने में। जैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, हम लोग वैसी खिचड़ी कभी दोबारा नहीं खाए। वाकई में ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्यौहार। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। जनवरी महीने के मध्य में बीच में कई फसलों का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें से खिचड़ी भी है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। कुछ लोग तो फसलें, किसान लोग इस बात से खुश होते हैं क्योंकि फसलें तैयार हो रही हैं और गर्मी और थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कि अब पाला यानी ठंडी थोड़ी कम हो जाएगी। बढ़ता है तो कुछ लोग उस उम्मीद से खुश होते हैं कि अब पाला कम हो गया। सूरज की गर्मी पड़ने से खेतों में बड़ी फसल, सूरज की गर्मी पड़ने पर खेतों में बड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग नज़र आता है। सूरज की जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, धूप निकलने लगेगा, उस समय हमारी जो फसल है तेज़ी से बढ़ेगी और सभी प्रांतों इलाकों में अपना रंग अपना ढंग नज़र आएगा, क्योंकि सभी किसान उस समय खुश हो जाएंगे। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। इस दिन क्या होता है, सब लोग अपने घर में फसलों के आने का उम्मीद रखते हैं कि अब पैदावार हमारे घर में आएगी, और इजहार करते हैं एक दूसरे से कि अब हमारी फसल कुछ ही दिन में कटने वाली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोह, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व भी सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। जैसे हमारे यहाँ खिचड़ी मनाई जाती है, उसी तरह से बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति और तिल वाला जो मनाते हैं हम लोग तिल संक्रांति, उसी तरह से असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है और केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, जिस तरह से हम लोग खिचड़ी मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार पोंगल एक नृत्य है वो जो मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी पंजाब में क्या मनाया जाता है, लोहड़ी का त्यौहार खिचड़ी के जस्ट एक दिन पहले मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, सरहुल नाम का त्यौहार मनाया जाता है। गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती फसलों से जुड़े त्यौहार है, और गुजरात में पतंग उड़ाने का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि सभी फसलों से ही जुड़े हुए त्यौहार हैं। यह त्यौहार फसलों से संबंधित है, जो कि हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। यह साल के वृक्ष में
फूल पत्तियां आ जाती हैं तो लोग नाचते गाते हुए इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ, जो सरहुल नामक त्यौहार है, इसको मनाते हैं और 4 दिन तक इसी तरह से इन लोगों का चलता रहता है। बच्चों, जो भी वीडियोस जा रहे हैं आप इनको ध्यानपूर्वक सुने और इसे समझें और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में करें, जो कि आपको चला जाएगा। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। झारखंड में जो सरहुल नाम का त्यौहार है वो बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल नाम का त्यौहार जैसे हमारी खिचड़ी होती है उसी तरह से बच्चों बड़े ही जोश खरोश के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। झारखंड में इस त्यौहार का, जो सरहुल नामक त्यौहार है, इसका जश्न 4 दिन चलता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय पर मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, जो संथाल होते हैं, ये जनजातियाँ हैं वहाँ की, संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं और ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी लोग आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के वृक्ष की पूजा होती है। यह समय जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं तो मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है और स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे के साथ नाचते गाते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं।